वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो के अंदर आपसे सेकेंड ईयर कमर्शियल ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस शेयर किए जा रहे हैं। सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम्स के मुताबिक, जो सिंध बोर्ड के एग्ज़ाम्स है उसका जो सिलेबस है उसमें जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कमर्शियल ज्योग्राफी के, वो आपसे शेयर किए जा रहे हैं। तो इसके दो सेक्शन होते हैं, दो पार्ट होते हैं, पाकिस्तान और वर्ल्ड का। सो जो पाकिस्तान वाला पार्ट है उसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके अंदर है कि वाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, उसकी जो मेन सोर्सेज हैं वो कौन कौन सी हैं वो आपने बतानी होंगी। इसके बाद ये है कि गिवन अकाउंट ऑफ थर्मल पावर प्रोडक्शन इन पाकिस्तान, जो थर्मल पावर प्रोडक्शन है पाकिस्तान में उसके बारे में आपने लिखना होगा। उसके बाद ये कि मेंटेन द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी क्राइसिस। अब यहाँ पर आपने वो प्रॉब्लम्स लिखनी होंगी जो कि पाकिस्तान में फेस की गई इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी क्राइसिस की वजह से। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन द फिज़िकल फीचर रीजन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि एक्सप्लेन करें जो फिज़िकल फीचर हैं, जो रीजन है पाकिस्तान के जिसके अंदर माउंटेन और इंडस प्लेन वगैरह आते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन आपने देनी होगी डिटेल के अंदर। उसके बाद ये कि डिफरेंशिएट बिटवीन हाईवे एंड मोटरवे, डिफरेंशिएट करें, फ़र्क बताएं हाईवे और मोटरवे के दरमियान। इसके अलावा कि नेम एट मेन हाईवेज एंड मोटरवेज, और नाम लिखें जो आठ मेन हाईवेज और मोटरवेज हैं उनका। नाउ दी वर्ल्ड पार्ट, वर्ल्ड वाला जो पार्ट है इसके अंदर सबसे पहले है कि गिवन अकाउंट ऑफ द कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, जो कॉटन और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वर्ल्ड के अंदर उसके बारे में जो है वो आप लिखें। उसके बाद एक ड्रॉ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट ड्रॉ करें टू शो द क्लासिफिकेशन, शो करने के लिए क्लासिफिकेशन जो है नेचुरल इन्वायरमेंट की, और एक्सप्लेन करें उसकी फिजिकल फैक्टर्स को भी। उसके बाद ये क्या है, वाट आर दी कमर्शियल एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या हैं, और एक्सप्लेन विद दी एग्जांपल्स, एग्जांपल के साथ उसको एक्सप्लेन भी करें। उसके बाद ये क्या, डिस्क्राइब दी फेवरेबल ज्योग्राफिकल फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन वीट राइस टी इन द वर्ल्ड, ऑल्सो राइट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि फेवरेबल जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं कल्टीवेशन के लिए कॉटन की, वीट की, राइस की और टी की वर्ल्ड के अंदर, सो उसके बारे में डिस्क्राइब करना होगा, आपने वजाहत देनी होगी, और उसके अलावा एंड ऑल्सो राइट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने लिखनी होगी। उसके बाद ये गिवन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है आयरन और स्टील इंडस्ट्री की वर्ल्ड के अंदर उसके बारे में आपने लिखना होगा। तो ये थी आज की वीडियो, आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।